सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर डेली टेक्नोलॉजी एंड स्मार्टफोन वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है संडे स्पेशल के एक फ्रेश एपिसोड में। और आज का संडे स्पेशल का एपिसोड ऑलमोस्ट दो वीक के बाद आ रहा है। हालांकि दो वीक में संडे स्पेशल एपिसोड नहीं रिकॉर्ड किया था, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, फैमिली इश्यूज थे, लेकिन आज का वीडियो बराबर टाइम पे आ रहा है। और काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे ऑलरेडी इन दिनों में आ गए, लेकिन उसमें से मैंने सिर्फ यूनिक कमेंट्स ही लास्ट एक वीक में जो आए थे उनको पिक किया है और उन सवालों का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। हालांकि संडे स्पेशल एपिसोड हमारे नए सब्सक्राइबर्स के लिए मैं बोलता हूँ कि ये जो एपिसोड रहता है, यूजर्स हमारे वीडियोज़ पर जो भी कमेंट्स करते हैं उन कमेंट्स में से कुछ यूनिक कमेंट्स कि हम उनका जवाब इस पर्टिकुलर एपिसोड में देते हैं। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो इंफॉर्मेशन हम आपको देने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना, और आप का कोई भी इशू या सुझाव रहेगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आज का एपिसोड स्टार्ट करने से मैं पहले बोल देता हूँ कि मैं जो मेरा अभी डेली ड्राइवर है वो वीवो का नेक्स्ट फ़ोन है। और एक्चुअली मैं आपको बोलूँ, ये वीवो नेक्स्ट काफ़ी अच्छा फ़ोन है। मैं ऑलमोस्ट लास्ट 4-5 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी मुझे अच्छा बेहतरीन एक्सपीरियंस आया। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, वो भी काफ़ी एक्यूरेट है और ऑलमोस्ट मतलब फेस अनलॉक की तरह ये फास्ट काम करता है। हालांकि इसमें फेस अनलॉक नहीं है और क्योंकि इसका जो पॉपअप कैमरा है इस वजह से इसमें फेस अनलॉक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, लेकिन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर बेहतरीन काम करता है। इसका कैमरा भी अच्छा है, डिस्प्ले क्वालिटी भी ऑसम है और 128GB का आपको स्टोरेज मिलती है, 8GB की रैम मिलती है, 35। और मुझे एक्चुअली मैं सरप्राइज हुआ कि मैंने जब भी फाइनल बिल देखा इस वीवो नेक्स्ट का तो वो 38,800 में आया हुआ था। तो कुछ पता नहीं डिस्काउंट और भी मिल गया, क्योंकि 4,000 का HDFC डिस्काउंट ऑलरेडी था और उस पर और कुछ डिस्काउंट मिल गया रहेगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन 38,000 ही मेरा डिडक्ट हो गया इस वीवो नेक्स्ट के फ़ोन परचेस करने के टाइम। तो हालांकि ये वीवो नेक्स्ट का रिव्यू मैं जल्दी ही दे दूंगा अगले 3-4 दिनों में कि मुझे कैसा लगा, बैटरी लाइफ कैसी है। हालांकि सभी आज के तारीख तक 3-4 दिनों में मैं जितना भी यूज़ किया काफ़ी बेहतरीन फ़ोन है। तो अभी सबसे पहला जो कमेंट हम लोग लेते हैं वो शुभम का है और वो बोलते हैं कि भाई Asus ZenFone 5Z काफ़ी अच्छा है, मैंने ले लिया है और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की 5-7 मिनट की वीडियो बनाओ। तो ज़रूर बनाऊंगा। एक्चुअली मुझे ये Asus का रिव्यू भी बनाना था, टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो भी बनाना था और काफ़ी सारे वीडियोस बनाने थे Asus ZenFone 5Z के लिए, लेकिन बीच में हमारे घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, हमारी दादी माँ का देहांत हो गया, इसलिए इस वजह से मैं ऑलमोस्ट एक वीक कुछ वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन ये सभी वीडियोस आएंगे, अभी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं सभी ये वीडियोस अपलोड करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि ये सभी वीडियोस आपको भी पसंद आ जाएंगे। अगला जो कमेंट है वो निखिल का है और वो बोलते हैं कि उसको Asus 5Zen में 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है, लेकिन जो एंड्रॉयड सिस्टम है वो 16% बैटरी कंज्यूम करती है। ग्रीनिफाई और सभी एप्लीकेशन ट्राई कर दिया। एक्चुअली मेरे ख्याल से ये जब भी एंड्रॉयड सिस्टम कभी जब भी अगर कुछ बैटरी ड्रेन करती है कोई भी मोबाइल में, फिर चाहे वो 5G हो या फिर OnePlus हो या फिर Samsung हो, कोई भी फ़ोन में जब भी एंड्रॉयड सिस्टम ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करती है मतलब आप ज़्यादा मोबाइल डेटा यूज़ करते हो और तभी ये इस पर्टिकुलर जो एंड्रॉयड सिस्टम का जो एक पार्ट है वो बैकग्राउंड में चलता रहता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, वो एंड्रॉयड सिस्टम में आपको बैटरी सेक्शन में जाके डिसेबल बैकग्राउंड एक्टिविटी आपको कर देना है। अगर इससे भी आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो जाता है तो एक बार आपको गूगल प्ले सर्विसेज में जाना है, एप्लीकेशन में जाके, एप्लीकेशन लिस्ट में जाके, और उसमें स्टोरेज सेक्शन में जाना है और फिर मैनेज स्पेस में जाके डिलीट डेटा कर देना है। ये करने से आपकी जो एंड्रॉयड सिस्टम जो डेटा कंज्यूम करता है वो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर इससे भी नहीं होता है तो इसका आगे का और एक स्टेप है कि जब भी आप मोबाइल डेटा कनेक्शन यूज़ करते हो तभी सिर्फ एंड्रॉयड सिस्टम और गूगल प्ले सर्विसेज को डेटा एक्सेस के लिए डिनाई कर देना। इससे आपका परफॉर्मेंस या डे टू डे लाइफ में कुछ भी इशू नहीं रहेगा, लेकिन जो बैकग्राउंड में बैकअप या फिर और कुछ चीज़ें चलती है, सिंक विंक जो भी मोबाइल डेटा पे चलता है वो नहीं चलेगा और आपकी बैटरी लाइफ काफ़ी बेटर बन जाएगी। तो आप एक बार ये निखिल भाई ट्राई कर देना, या फिर वो सब व्यूवर्स देख रहे हैं वो एक बार ये ट्राई कर सकते हैं जिनकी भी एंड्रॉयड सिस्टम ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करती है। अभी आगे का एक कमेंट है वो है शुभम का है और वो बोलते हैं कि गूगल लेंस ऑप्शन इज नॉट अपीयरिंग इन माय OnePlus 6 आफ्टर द अपडेट। एक्चुअली गूगल लेंस ऑप्शन इनेबल करने के लिए पहले आपको गूगल का ऐप है उसको ये करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, और अपडेट करने के बाद उसको आप ओपन करो, एक बार एक्सेस कर दो, उसके बाद खुद ब खुद आपके कैमरा में गूगल लेंस ऑप्शन आ जाएगा। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन से काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
आगे का काम मैंने वो बीकी का है, और बोलते हैं कि 3000 का आईसीआईसीआई वालों ने हटा दिया है। एक्चुअली जो जेनफोन 5Z पे 3000 का डिस्काउंट था वो आईसीआईसीआई वालों ने हटा दिया है, ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया। पता नहीं इतने जल्दी क्यों हटा दिया, शायद उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई रहेगी इसलिए उन्होंने वो डिस्काउंट हटा दिया। लेकिन जब भी वो मिलता था वो 27000 में जिन्होंने भी लिया है वो वर्थ है, क्योंकि आज के तारीख में भी अगर मैं भी जेनफोन 5Z यूज़ करता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। थोड़ी कैमरा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है क्योंकि उसका एक्सपोजर लेवल बहुत ज़्यादा है डे लाइट कंडीशन में भी, तो अगर वो एक्सपोजर लेवल को अगर कंट्रोल करते तो बाकी ओवरऑल फ़ोन काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, मैंने यूज़ किया है। और वन प्लस 6 भी अच्छा है, 5Z भी अच्छा है, उसका एक डेडिकेटेड वीडियो हम बनाते हैं कि कौन सा बेटर है कौन सा लेना चाहिए, लेकिन पर्सनली मुझे दोनों फ़ोन काफ़ी अच्छे लगे। आगे का एक कमेंट है विनय का है, वो बोलते हैं कि मेक अ कैमरा रिव्यू ऑन ऑनर V10 क्योंकि उसको EIS अपडेट आ गया है। एक्चुअली और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली पता नहीं, मैंने मेरा V10 ऑलमोस्ट 2 वीक पहले ही सेल कर दिया 22K के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने 6 महीना V10 रखा, कुछ EIS का अपडेट नहीं आया। मैं मेरे हर एक एपिसोड में बोलता था कि ऑनर V10 को EIS कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा, पता नहीं। तो इसलिए मैं फिर बोर हो गया, V10 को मैं सेल आउट कर दिया और फिर उस पैसे से ही मैंने एसुस का जेनफोन 5Z लिया, और फिर आज 2-3 दिन पहले ही ऑनर V10 को EIS भी आ गया। अच्छी बात है, EIS दे दिया उन्होंने, जिनके पास भी ऑनर V10 है अभी उनको सुकून मिल जाएगा। लेकिन उसका वीडियो मैं नहीं बना सका क्योंकि वो फ़ोन मेरे पास अभी नहीं है फिलहाल। मैं एक्चुअली Nova 3 लेने की सोच रहा हूँ, Huawei का Nova 3 आया, ऑलमोस्ट Nova 3 भी मुझे सिमिलर ही लगता है ऑनर 10 के मुकाबले, मतलब ऑनर 10 भी वैसा ही है लगभग, Nova 3 भी वैसा ही है, प्रोसेसर भी वही है, कैमरा भी वही है, सेंसर्स भी वही है, चेंज क्या है पता नहीं है अभी इसमें, बस Huawei फ़ोन निकाले जा रहा है निकाले जा रहा है, कभी 4 कैमरे दे देता है तो कभी मोनोक्रोम दे देता है, कुछ भी कर देता है, लेकिन कुछ अलग डिज़ाइन के कैमरे या फिर कुछ अलग डिज़ाइन के फ़ोन्स नहीं निकलता, वही ब्लू कलर के फ़ोन्स निकलता है। तो आज के तारीख में Huawei को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, वही फ़ोन निकालने से बेटर है, देखते हैं आगे कैसा होता है। आगे का कमेंट है बॉबी का है और बोलते हैं कि फेस अनलॉक प्रेजेंट है। एक्चुअली ये जो कमेंट है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगा डीप में। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि नोकिया 7 प्लस में ऑलरेडी फेस अनलॉक फीचर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो फेस अनलॉक फीचर है ना वो स्मार्ट लॉक में है, और वो जो स्मार्ट लॉक का फीचर सभी एंड्रॉयड फ़ोन्स में आपको मिल जाएगा। मतलब आप एंड्रॉयड का लॉलीपॉप फ़ोन ले लो या फिर एंड्रॉयड का मार्शमेलो का भी फ़ोन ले लो, उसमें भी आपको स्मार्ट लॉक में वो ट्रस्टेड फेस का ऑप्शन मिल जाता है। वो फेस अनलॉक नहीं है, वो गलत इन्फॉर्मेशन है, जिसने भी दिया है वो गलत इन्फॉर्मेशन है। नोकिया 7 के लिए अलग से सेपरेटली फेस अनलॉक फीचर आएगा, चाइना में ऑलरेडी ये 2 महीने पहले ही रोल आउट हो गया है, और इंडिया में भी आने के लिए उन्होंने नोकिया वालों ने कंफर्म किया है कि ग्लोबल रीजन को भी सेपरेटली फेस अनलॉक फीचर मिलेगा। तो अभी कभी मिलेगा वो पता नहीं, लेकिन मिलेगा। तो जो ट्रस्टेड फेस है वो फेस अनलॉक नहीं है, वो आप अपने दिमाग में से निकाल दो। आगे का एक कमेंट है वो सुरेंद्र का है, बोलते हैं कि सैमसंग S9 Plus का वीडियो हिंदी में बनाया तो OnePlus 6 का इंग्लिश में क्यों बनाते हैं। एक्चुअली ऐसे काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आते रहते हैं कि मैं हिंदी और इंग्लिश में वीडियो क्यों बनाता हूँ। तो उसका एक डेफिनेट आंसर ऐसा है कि जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तभी वो चैनल इंग्लिश में था, करीबन मैंने 3-4 महीने ये चैनल इंग्लिश में चलाया था। तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स है वो टाइम पे, जो मेरे तभी मैं OnePlus के फ़ोन्स रिव्यू करता था, तो सभी वो पुराने सब्सक्राइबर्स कुछ साउथ इंडियन है, कुछ अलग रीजन्स के साथ है, तो वो सभी पुराने सब्सक्राइबर्स इंग्लिश, मतलब बहुत सारे सब्सक्राइबर्स इंग्लिश लैंग्वेज जानने वाले हैं जैसे कि साउथ इंडियन। तो अभी जब भी मैंने इस चैनल को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, फिर भी मैं जब भी OnePlus का अपडेट आता हूँ तो उन लोगों के लिए मैं इंग्लिश में अपडेट बनाता हूँ ताकि उनको भी उसका कुछ फ़ायदा मिल सके। इसलिए मैं एक्चुअली ये OnePlus के अपडेट सभी इंग्लिश में बनाता हूँ और बाकी सारी वीडियोज़ में हिंदी में बनाता हूँ, क्योंकि अगर मेरे सब्सक्राइबर मेरे साथ लॉयल है तो भी मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनके लिए कुछ करूँ, इसलिए बस मैं उनके लिए इंग्लिश में वीडियोज़ बनाता हूँ। होप सके आप ये बातों को समझ सकें। अगला एक कमेंट है वो सुजीत का है और वो बोलते हैं कि मुझे एक फ़ोन लेना है 35000 के आसपास, OnePlus 6 ले लूँ या Asus का Zenfone 5Z ले लूँ। एक्चुअली ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि OnePlus 6 ले लूँ या 5Z ले लूँ। अभी जो भी Zenfone वाले लोग हैं वो बोलेंगे Zenfone अच्छा है OnePlus 6 से, जो भी OnePlus 6 वाले फ़ोन है वो लोग बोलेंगे कि OnePlus 6 बेटर है 5Z से। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आपको मीडिया ज़्यादा देखते हो फ़ोन में, यूट्यूब के वीडियोज़ ज़्यादा देखते हो,
तो जेनफोन 5G में ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आता है उसका। स्पीकर क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, वन प्लस का स्पीकर क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, सिर्फ लाउड है, इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जेनफोन का स्पीकर क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। मतलब पर्सनली मुझे जेनफोन का स्पीकर क्वालिटी मीडिया सुनने के लिए काफ़ी अच्छा लगा, और ऊपर से डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है, सुपर LCD डिस्प्ले है, बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी है, AI के फीचर्स उन्होंने दे दिए, तो ये सभी कॉम्बिनेशन जेनफोन में आता है, तो जेनफोन भी एक बढ़िया फोन हो जाता है। और ऊपर से 3000 का डिस्काउंट था, 27 में मिल रहा था, जो लोगों ने लिया वो लोगों आज मजे में है। थोड़ा बहुत कैमरा का इशू है, मैं मानता हूँ कैमरा के डिपार्टमेंट में वन प्लस 6 अभी भी बेटर है एसुस के कंपैरिजन में, लेकिन वो इतना भी कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है कि आपको मतलब शो स्टॉपर हो जाएगा और बोलोगे कि वन प्लस 6 ही लेना है, 5G नहीं लेना है। आज नहीं तो कल 5G को भी अपडेट आ जाएगा कैमरा के लिए और कैमरा भी इम्प्रूव हो जाएगा, वैसे तो कोई बात नहीं है। फेस अनलॉक काफ़ी अच्छा चलता है। चार्जिंग में मैं तो बोलता हूँ वन प्लस से फास्ट एसुस का वो जो चार्जर है वो है, अगर आप AI चार्जिंग को एनेबल कर देते हो तो वो वन प्लस के डैश चार्जर से भी फास्ट चार्ज करता है एसुस का सेन। तो ये सभी चीज़ें हैं, अगर आपकी अपने पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको, आपके बजट पे भी डिपेंड करता है कि आपको 5G लेना है या फिर वन प्लस 6 लेना है। अगर मैं आपके मतलब अगर मुझे लेना होता तो मैं दोनों ही फ़ोन मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, मतलब ऐसा चूज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता कि मैं जेनफोन का 5G ले लूँ या फिर वन प्लस 6 ले लूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरा जो एज है वो वन प्लस की तरफ झुकता है, क्योंकि वन प्लस के अपडेट्स रेगुलर रहते हैं, वन प्लस बीटा प्रोग्राम भी रोल आउट करता है और वन प्लस यूजर्स के फीडबैक भी लेता है, तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो मायने रखती है, इसलिए मैं थोड़ा वन प्लस को थोड़ा ज़्यादा वेटेज दूंगा एसुस के फोन के कंपैरिजन में, क्योंकि आज भी हम लोग देखते हैं वन प्लस 3 और 3T में आज भी हमको अपडेट्स मिलते हैं, मतलब 2 साल के बाद भी हमको आज भी अपडेट्स मिलती है। अभी एसुस 2 साल के बाद अपडेट देगा कि नहीं देगा उसके बारे में मुझे पता नहीं, तो अगर अपडेट्स की बात करते हैं तो वन प्लस डेफिनेटली बेटर है। कैमरा की बात करते हैं कैमरा सेक्शन में तो वन प्लस डेफिनेटली बेटर है। साउंड क्वालिटी की बात करते हैं तो एसुस बेटर है। स्क्रीन की बात करते हैं, डिस्प्ले की बात करते हैं तो वन प्लस 6 बेटर है, लेकिन एसुस का फ़ोन भी बेटर है। चार्जिंग की बात करते हैं तो दोनों ही इसमें फास्ट चार्जिंग आ जाता है। AI का इम्प्लीमेंटेशन किया है एसुस के फ़ोन में, तो ये सभी चीज़ें हैं। तो अभी आप अपने पर्सनल प्रेफरेंस पे ही जाइए और आप कोई भी फ़ोन ले लो, आपको बढ़िया एक्सपीरियंस आ जाएगा, लेकिन एसुस का फ़ोन थोड़ा मतलब लाइट वेट है एज़ कम्पेयर टू वन प्लस 6। तो ये सभी मतलब प्रोज एंड कॉन्स सभी फ़ोन्स में रहते हैं, कौन सा भी फ़ोन परफेक्ट नहीं होता है। अभी आगे का एक कमेंट है वो है स्टोलन हर्ट का है, इनका नाम एक्चुअली अलग है, और ये बोलते हैं कि शुड आई गो टू वन प्लस 5T 5.1.4 और ओपन बीटा 12। एक्चुअली ये अपडेट 5T में आया है 5.1.4 और इसका एक एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अपडेट आपको VPN से नहीं मिलेगा। अभी वन प्लस ने ऐसा नया कंसेप्ट निकला है कि रीजनल जो अपडेट्स देते थे, मतलब पहले जर्मनी और कनाडा को मिलता था, अभी वो अपडेट्स उन्होंने बंद कर दिए और सबको मतलब एक साथ ही रोल आउट कर दिया है, तो सभी लोगों को ये अपडेट्स आने के लिए थोड़ा टाइम जाएगा। पहले हम लोग VPN को कनेक्ट कर देते, जर्मनी रीजन में जाते थे, अपडेट डाउनलोड करते थे, अभी ऐसा नहीं चलता। आप ऑक्सीजन OS अपडेटर करके एक थर्ड पार्टी ऐप आता है, उस ऐप से आप इस पर्टिकुलर अपडेट को पूरा डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। अभी क्वेश्चन है कि 5.1.4 पे जाए या फिर ओपन बीटा 12 पे रह जाए, तो मेरे हिसाब से आप ओपन बीटा 12 पे रहो। ओपन बीटा 12 काफ़ी अच्छा है और सभी वही फीचर्स है, कुछ नया तो उन्होंने दिया नहीं है, सभी ओपन बीटा के फीचर्स कॉपी करके फिर उन्होंने डाल दिए अभी स्टेबल वर्जन में। तो अगर आपको ओपन बीटा में अच्छी बैटरी लाइफ मिल रही है, अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है, तो आपको स्टेबल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आगे का एक कमेंट है वो है सबीर खान का है, और वो बोलते हैं कि आई लाइक यूर वीडियोज, थैंक यू सर। और उनका एक एक्चुअली क्वेश्चन था कि ओपन बीटा और स्टेबल में क्या डिफरेंस है, उनको एक्चुअली थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। तो सबीर भाई, मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो ओपन बीटा अपडेट है वो भी ऑक्सीजन OS है, और जो स्टेबल में आता है वो भी ऑक्सीजन OS है। ऑक्सीजन OS एक OS का नाम है, जैसे ही मतलब एंड्रॉयड के से एक OS है, वैसे ही एंड्रॉयड के ऊपर उन्होंने ऑक्सीजन OS अपना खुद का एक OS डाल दिया है, तो दोनों ही एक ही वन प्लस के ही OS है, लेकिन स्टेबल वर्जन पूरा टेस्टिंग के साथ आता है और उसमें बग्स कम रहते हैं। तो हालांकि ओपन बीटा 10 में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं और पहले ओपन बीटा रोल आउट करते हैं, तो इनका ये वन प्लस का ऐसा है प्रोग्राम है कि सभी नए फीचर्स पहले ओपन बीटा में आते हैं, उनसे फिर यूजर्स से फीडबैक मांगते हैं कैसा है क्या है, और फिर उनको स्टेबल में रोल आउट करते हैं। तो ये एक मेन डिफरेंस है, इसलिए आपको अगर कुछ कन्फ्यूजन रहेगा तो शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अभी दूर हुआ रहेगा। अभी अगला एक कमेंट है वो है अर्जुन का है,
और वो बोलते हैं सर यू आर द मोस्ट डेडिकेटेड यूट्यूबर आई हैव एवर सीन, थैंक यू वेरी मच अर्जुन। एक्चुअली ये बहुत अप्रिशिएटिंग कमेंट है मेरे लिए। मैं तो बस एक ही चीज़ फॉलो करता हूँ, मेहनत से काम करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ, बाकी जो भी मिलेगा रिजल्ट जैसा भी मिलेगा अच्छा ही होगा। अगर अच्छा नहीं मिलता है तो और मेहनत करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मैं आगे आने वाले दिनों में भी काफ़ी अच्छा वीडियोस लेके आऊँ आप सभी के लिए, और फिर वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी हो और फिर हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाए। अभी आगे का एक कमेंट है वो है ऑल मोबाइल इन हिंदी। चलो ठीक है सर, मैंने बैटरी सेक्शन में एंड्रॉयड सिस्टम का बैकग्राउंड एक्टिविटी को बंद कर दिया, चलेगा क्या? चलेगा, एक्चुअली ये बेस्ट वे है। आप बैटरी सेक्शन में जाके एंड्रॉयड सिस्टम और गूगल प्ले सर्विस दोनों का बैकग्राउंड एक्टिविटी आप बंद कर दो, आपको काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ मिल जाएगी। अब आगे उत्कर्ष बोलते हैं कि प्लीज़ मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन बैटरी टिप्स फॉर ज़ेनफोन 5G। हाँ, ये एक्चुअली वीडियो रेडी है, मैं जल्दी ज़ेनफोन 5G के लिए बैटरी सेविंग टिप्स का वीडियो पोस्ट करूंगा। सिंपल से टिप्स है लेकिन आपको अच्छी बैटरी लाइफ मिल जाएगी। यसिन बोलते हैं सर मुझे अपडेट नहीं आया है, जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया आपको ये 5G का अपडेट 2-3 दिनों में आ जाएगा, VPN से ये अपडेट डाउनलोड नहीं होता। अराफत बोलते हैं ब्रो व्हेन विल यू स्टार्ट यूजिंग OnePlus 6। एक्चुअली मैंने OnePlus 6 काफ़ी यूज़ किया, 1 महीना OnePlus 6 ही यूज़ किया था और काफ़ी सारे वीडियोज़ भी मैंने बनाए थे, शायद आपको नोटिफिकेशन नहीं आया रहेगा। आप देख सकते हो मेरे पुराने वीडियोज़, सभी OnePlus 6 पे वीडियोज़ बनाए हैं मैंने, और अभी फिलहाल मैं वीवो नेक्स यूज़ कर रहा हूँ एज माई प्राइमरी फ़ोन। गॉड एग्जिस्टेंस बोलते हैं हेलो सर व्हेन डू यू गेट ऑल फीचर्स इन ओपन बीटा 11 फॉर 5G। एक्चुअली अभी 5.1.4 में दो मेजर फीचर्स तो उन्होंने दे दिए, जैसे कि स्लिप स्टैंड बाय मैनेजमेंट जिससे बैटरी लाइफ काफ़ी इंप्रूव होती है, और कैमरा की क्लैरिटी भी उन्होंने इंप्रूव कर दी है। तो ये दो चीज़ें उन्होंने दे दी है, जुलाई सिक्योरिटी पैच भी दे दिया है, तो धीरे धीरे वो सभी चीज़ें वो जो ओपन बीटा में है वो स्टेबल में आपको मिल जाएगी। कौशिक भाई बोलते हैं कि सेल्फी पोर्ट्रेट कभी आएगा 5G में? यार ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए भी और सभी यूजर्स के लिए भी कि OnePlus 5T में सेल्फी पोर्ट्रेट कभी आएगा। मेरे ख्याल से अभी आना होता तो गपका आया गया होता, शायद नहीं आएगा। और एक्चुअली ये लास्ट कमेंट था। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आ रहेगा। आपके कोई भी इशू या फिर कुछ भी आपको जानना रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दो। आने वाले दिनों में मैं वीवो नेक्स एसोस ज़ेनफोन 5G और बाकी सारे वीडियोस बनाऊंगा, कैमरा कंपैरिजन और बाकी सारे चीज़ों की, और अगर कुछ नया फ़ोन लॉन्च होता है तो उसको भी हम लोग अनबॉक्स जरूर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और आपका कोई भी सुझाव रहेगा कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच।